कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों का कॉलेज कैंपस में भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप सामने आया है। हालांकि इन नारे लगानों की घटना की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं छात्रों ने फेसबुक पर भी भारत विरोधी टिप्पणियां की हैं। वहीं ये तस्वीरें फेसबुक पर कश्मीरी छात्रों के द्वारा शेयर की गई है एवं कमेंट भी किए गए हैं। मामले की शिकायत कोलार थाना पहुंचने पर पुलिस हरकत में आई और कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ की। पुलिस के हरकत के आने के बाद कॉलेज में 6 छात्रों को सस्पेंड भी कर दिया है। पुलिस ने छात्रों के निवास पर भी दबिश दी है, लेकिन छात्र अपने कमरों पर नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में जांच की जा रही है। और खबर में यह भी है कि पुलिस ने सोमवार को कॉलेज प्रबंधन के लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ भी की, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार करती रही। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मामले की शिकायत कोलार पुलिस को की। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर छात्र रहते थे उस जगह को सील कर दिया गया है। शहीदों को लेकर इन छात्रों का भारत विरोधी टिप्पणी करने का आरोप है। आरोप लगने के बाद छात्रों के विरोध में बजरंग दल ने कॉलेज पहुंचकर जमकर नारेबाजी की एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पूरे मामले पर सस्पेंस बरकरार है। पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन कश्मीरी छात्रों ने जो हरकत देश के विरोध में की है वह बहुत ही गलत है। पुलिस यही दलील देकर बस्ती आ रही है। कलर का फेसबुक चला रहा है तो उसमें आप लिखा होगा तो उस पर जो है कॉलेज में उनको रजिस्ट्रेट कर दिया कॉलेज प्रिंसिपल ने। उसमें कार्रवाई आवेदन दिया है, आवेदन पे जांच की जा रही है। उसमें वो साइबर से निकलवाया जाएगा उसका जो फेसबुक वगैरह का जो है जानकारी, उसके बाद कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई, किस तरीके का मामला है, मतलब क्या है उसमें, देशद्रोह टाइप का कुछ बन रहा है क्या? जो भी है उसमें ऐसी नहीं कोई खास बात, उसने कमेंट किया है उसने कुछ, इसके कमेंट की जाँच हो रही है। कॉलेज से कहता है कॉलेज से कोई ताले नहीं, कॉलेज पढ़ता था लेकिन एक महीने से गैर हाजिर है, कॉलेज जा ही नहीं रहा है। कॉलेज के अंदर कोई कार्रवाई की गई है छात्रों के? कॉलेज तो प्रिंसिपल ने कार्रवाई कर दी है, उनको परसों ही रजिस्ट्रेट कर दिया लड़कों को जो लड़के ने किया गलती। कॉलेज ने तो अपना कार्रवाई किया है, किसी को पूछताछ के लिए नहीं लाया गया है। लड़के हैं नहीं, लड़के अभी फरार, वहाँ ताला बंद था घर में उनके, इसलिए अभी पूछताछ नहीं की गई, लड़के मिले नहीं कोई।